आज आप मेरे पीछे तो देख ही रहे होंगे कितने सारे फूल हैं। मैं आ गई हूँ नर्सरी की सैर पे, और दोस्तों ये ना मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो मैं सभी विंटर्स के पौधे ना इसी नर्सरी से परचेज कर इसे लगाने से। और एक होता है कटिंग करके लगाया जाता है। जी 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 जी, ये कटिंग करके लगाया हुआ गेंदा है। इसमें आप जैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, ये जैसे गेंदा है, इसकी हम वो कली काटेंगे जिसमें फूल नहीं बन रहा। तो हाइब्रिड गेंदा ही लगाइए, क्योंकि दोस्तों जो सीड से ग्रो किया जाता है, जो नॉर्मल वैरायटी होती है, वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं लगती, और साथ में वो लेगी लेगी हो जाती है, थैली होती है। हाँ जी, आप 6 इंची से ऊपर में किसी में भी साइज में गमले में लगाओगे, प्लांट हमेशा फूल अच्छा देगा। ये आपको 25 रूपए का पड़ेगा मैम। अच्छा, अगर क्वांटिटी अच्छी लेते हो 100 रूपए में पड़ जाएगा। ओके, आपके सर्दियों के पौधे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे और इस तरीके से खिलेंगे, और धूप चाहिए सबसे बड़ी बात। अगर आप फूलों का पौधा लगाने जा रहे हैं तो उसे तो दोस्तों प्रॉपर पौधा है, और मैं इस बार अपने गार्डन में इसको जरूर ऐड करूंगी, मुझे बहुत प्यारा लगा। एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डन ऑफ कविता में, और मैं हूँ कविता तिवारी। दोस्तों आज आप मेरे पीछे तो देख ही रहे होंगे कितने सारे फूल है। मैं आ गई हूँ नर्सरी की सैर पे, और दोस्तों ये ना मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो मैं सभी विंटर्स के पौधे ना इसी नर्सरी से परचेज करती हूँ। और आप मानोगे, मुझे इतने कम दाम में ये पौधे मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको इस नर्सरी का टूर करवाने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और इस नर्सरी का एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नाम है इस नर्सरी का विमल नर्सरी। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, ताकि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, और सभी सीजनल प्लांट आप 25 रुपीज में यहाँ से ले जा सकते हैं। तो वीडियो में अब मैं पूरा पूरा आपको टूर करवाती हूँ, और जो सर है वो आपको इसके प्राइस भी बताएंगे, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि विंटर्स के ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि आप अभी नर्सरी से फटाफट से ला सकते हैं या बीज से भी उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मिलवाती हूँ इस नर्सरी के ऑनर से, ये हैं मिस्टर विकास जी। विकास जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आप अभी इस टाइम आपके नर्सरी में किस तरीके के प्लांट्स मिल जाएंगे, आप मेरे व्यूवर्स को बताएंगे? अभी मैम हमारे यहाँ पे आउटडोर, इंडोर, फ्लावर, सीजनल, सकुलेंट्स, और जो टेबल वगैरह पे कुछ रखने के लिए होते हैं। जी जी जी। आपको हमारे यहाँ घास और जो टेरिस गार्डन वगैरह बनाते हैं, इन सब के प्लांट मिल जाएंगे। ओहो, वेरी गुड। तो दोस्तों अगर आप अपने गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं आप देखते होंगे, वो भी यहाँ मिल जाएंगे। ये पूरे पूरे जो है ना गार्डन का सेटअप करते हैं, चाहे वर्टिकल गार्डन हो, चाहे आप सीजनल, मतलब किसी तरीके भी प्लांट्स ले सकते हैं या इनसे लगवा सकते हैं। तो सभी तरीके के प्लांट्स जो है ये अपनी नर्सरी से लेके और आपके यहाँ पूरा पूरा सेटअप जो है वो तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों आज मुझे विकास जी ही पूरी नर्सरी की सैर करवाने वाले हैं, और साथ ही आपको बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स के नाम भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। चीज आपके यहाँ जो मुझे गेंदा है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। आई थिंक ये हाइब्रिड वेराइटी है ना? ये हाइब्रिड वेराइटी है। इसकी क्या, दो तरीके से लगाया जाता है गेंदे को। एक होता है बीज के तरीके से लगाने से, और एक होता है कटिंग करके लगाया जाता है। जी 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 जी। ये कटिंग करके लगाया हुआ गेंदा है। इसमें आप जैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी। ये जैसे गेंदा है, इसकी हम वो कली काटेंगे जिसमें फूल नहीं बन रहा होगा, जैसे ये कलम। जी। यहाँ से हम इसको काटेंगे हल्की सी कैंची से। हाँ जी। इसको हम लगाएंगे, रीप्लांट करेंगे कोकोपीट के साथ में। और एक तब ये जाके यू ऐसा बनेगा ये प्लांट। अच्छा अच्छा अच्छा। गेंदे की कटिंग से भी हम तैयार करते हैं। ओके दोस्तों, आप ये देख सकते हैं गेंदे की कितनी अच्छी वैरायटी है, और फूलों का साइज देख लीजिए आप, हाथ के बराबर इसका साइज है। तो अगर आप गेंदा लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो हाइब्रिड गेंदा ही लगाइए, क्योंकि दोस्तों जो सीड से ग्रो किया जाता है, जो नॉर्मल वैरायटी होती है, वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं लगती, और साथ में वो लेगी लेगी हो जाती है, जो कि आपका प्लांट गिर जाता है। मगर ये जो पौधा है ना, ये हेल्दी है। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो जिस ब्रांच में आपके ये बर्ड नहीं होते हैं, तो उसको आप यहाँ से तोड़ दीजिए, ताकि आपका यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज आए। और अगर आपके पौधा मुरझा जाता है, जैसे फूल मुरझा जाता है, तो भी आप यहाँ से इसके टिप को तोड़ दीजिए, क्या होगा, पौधा वहीं से ही मल्टीपल ब्रांचेस लेगा, और आपका पौधा लंबाई की जगह चौड़ाई में बढ़ेगा, यानी कि और ज्यादा ज्यादा बुशी हो जाएगा। तो ये है इनके पौधों का सीक्रेट्स, जो कि इतने बड़े बड़े गेंदे हैं और इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है गजेनिया। तो नाम जैसा है वैसे ही ये पौधा भी इतना डिफरेंट है। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पौधा है विंटर्स का। और आज ना मैं विकास जी से ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें फंगस क्यों लग जाती है, क्योंकि मेरे भी पौधे में ना फंगस की शिकायत कभी कभार होती है,
तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे एक हमने प्लांट उठा लिया, हाँ जी, अगर हम इसमें ज्यादा पानी भर के रखेंगे, ज्यादा पानी डालेंगे, तो नॉर्मल सी बात है इसकी जो नीचे से है ये सड़ने लगेगी। इसमें पत्ती, इसमें लकड़ी टाइप का तो होता नहीं है प्लांट, जैसे कुछ प्लांट होते हैं उनमें लकड़ी टाइप का होता है, इसमें सिर्फ पत्तियां होती हैं। ज्यादा पानी से फंगस लगती है, सड़ता है। आप इसमें पानी जब ही दो जब आपका लगे कि ये मिट्टी सूख गई है। ज्यादा पानी से फ्लावर का खत्म हो जाएगा, दूसरा इसमें ये फंगस लगेगी। फुल सनलाइट चाहिए? हाँ, फूल का पौधा है। इसको बास्केट में भी लगा सकते हैं? बास्केट में लगाओ, पॉट में लगाओ। आप ये 6 इंची की थैली होती है, हाँ जी, आप 6 इंची से ऊपर में किसी में भी साइज में गमले में लगाओगे, प्लांट हमेशा फूल अच्छा देगा। और ये खास करके आप अगर बास्केट लगाते हो तो 12 इंची बास्केट में लगाइए, और गमले में लगा रहे हो तो 10 इंची में भी अच्छा चलेगा जी। और ये हमारा कब तक चल जाएगा गर्मियों में? ये आप ये मान के चलो ये गर्मियों में भी चलता है, लेकिन गर्मियों में क्या है, इसको धूप में ना रख के थोड़ा सा बालकनी की शेड में रख दो, ये चलता रहता है, मरता नहीं है। ये हो गया, और एक डेंटस हो गया, सालविया हो गया, ये 3-4 वेराइटियाँ ऐसी हैं जो गर्मियों में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा ये अप्रैल मई जून तक ना बहुत अच्छे से चल रहा था, मगर आपको जैसा कि पता ही है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, हाँ। तो उस टाइम इसकी कंडीशन खराब हो गई, नहीं तो मेरा ये पौधा बहुत अच्छे से चल रहा था। ये मई जून के महीने में थोड़ा सा बचाना होता है, और बरसातों में पानी से बचाना होता है जी बिल्कुल। तभी इसको क्या होता है कि ना, जैसे आपका मई स्टार्ट होते ही बालकनी में आप ऐसी जगह रख लो जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप पड़े, 2-3 घंटे भी धूप लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है और फुल धूप का पौधा होता है जी। लेकिन गर्मी की धूप की गर्मी से बचाने के लिए हमारे को बालकनी में करना पड़ता है, जो कि शेड में रहेगा तो बहुत अच्छी बात बता दी विकास जी आपने, क्योंकि ये पौधा ना अक्सर लोगों का खराब हो जाता है, तो दोबारा से लोग खरीदने में फिर प्रॉब्लम सी लगता है कि अभी तो ये पौधा खराब हो गया, हम दोबारा नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों अगर आप डाइंथस खरीदना चाहते हैं तो इस तरीके से केयर करेंगे तो आपका डाइंथस बहुत अच्छे से चलेगा। कलर देख लीजिए, और इस तरीके से जैसे सर ने ना ये अभी इसका मुरझाया हुआ फूल निकाला, इस तरीके से सभी सर्दियों के पौधों की डेड हेडिंग करना, यानी कि मुरझाए हुए फूलों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसके साथ में आप देख रहे होंगे ये है दोस्तों विंका, विंका जिसको सदाबहार कहते हैं। तो आपने सदाबहार की नॉर्मल कॉमन वैरायटी तो देखी होगी, मगर आप ये देखेंगे ना ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। अच्छा ये पौधा आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना कि मैम आपने कहाँ से खरीदा, हमें भी लेना है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं इस नर्सरी का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर आप दिल्ली से हैं तो आप मंगवा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स लेते हैं तो यहाँ आपको 20 रुपीज़ में भी जो है प्लांट मिल सकता है, वैसे 25 रुपीज़ यहाँ जो है पर पौधा आपको मिल जाएगा, जितना भी सीजनल पौधे हैं। तो आप ये देखिए विंका की बहुत अच्छी वैरायटी है, कलर देख लीजिए पिंक रेड वाइट, और ये पीच कलर तो कसम से मेरा दिल ना छू लेता है। और मेरे पास ये इस बार गर्मियों में मर गया पौधा, इस बार मैं ये दोबारा से ले जाने वाली हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं बहुत से पौधे नर्सरी से ले जाने वाली हूँ, आपको पता ही है एक प्लांट लवर कैसे जो है ना अपने दिल को मना सकता है। अगर मैं गार्डन मतलब नर्सरी में आई हूँ तो प्लांट्स ले जाना तो बिल्कुल बनता है, तो आधे से ज़्यादा प्लांट्स मैं ले जाने वाली हूँ। और अगर आप भी ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा और फटाफट से सर्दियों की शॉपिंग कर लीजिए। ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये गेंदे का भाई है कह सकते हैं, इसे जाफरी कहा जाता है, मगर कंफ्यूज मत होइएगा, इसके जो कलर है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऑरेंज कुछ रेडिश इसका शेड है, जो कि बिल्कुल गेंदे के जैसा लगता है। और आप इसमें देख रहे हैं ये मुरझाए हुए फूल। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप फूलों की क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इस तरीके से अपने पौधे में से मुरझाए हुए फूल निकालते रहिए, ताकि आपका पौधा हेल्दी रहे, फंगस ना लगे और आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे। नहीं तो ये मुरझाए हुए फूल ना पूरे पौधे की एनर्जी ले लेते हैं और आपके अच्छे फूलों को वो एनर्जी नहीं मिल पाती। तो आप जान गए ना मेरे पौधों का सीक्रेट कि कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये है दोस्तों जाफरी, स्क्रीन पे नाम भी शो कर रही हूँ ताकि नर्सरी में जाके आप खुद से कहें मुझे जाफरी चाहिए, मुझे मैरीगोल्ड चाहिए, मुझे डाइंथस चाहिए, तो उसे भी लगेगा कि हाँ भाई नॉलेज वाली है, तो वो आपको जो है गलत चीज नहीं दे सकेगा। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है अगर आप प्लांट्स लवर हैं। तो दोस्तों ये है डाइंथस का पौधा। तो अब मैं ये डाइंथस का पौधा विकास जी कितने का है, क्या प्राइस? ये आपको 25 रुपए का पड़ेगा मैम। अच्छा, अगर क्वांटिटी अच्छी लेते हो 100+ करते हो तो आपको 20 रुपए में पड़ जाएगा। ओके। और ये इसकी खासियत ये है, ये लोग कहते हैं सीजनल है, मैं कहता हूँ ये पक्का प्लांट है, ये हमेशा ही
12 महीने चलता है और जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये ग्रोथ करता जाता है, फैलता जाता है। हाइट भी नहीं जाएगा। सही कह रहे हैं क्योंकि मेरे घर में ये पौधा है और आप मानोगे नहीं, 2-3 साल हो गए हैं एक ही पौधा चल रहा है और मेरा पौधा इतना बुशी हो गया, क्योंकि अगर आप इसकी डेड हेडिंग करते रहेंगे ना, जैसे आप ये देख रहे हैं मुरझाए हुए फूल हो गए हैं, आप ये दोबारा खिलेंगे नहीं, आप यहाँ से इसको तोड़ दीजिए ताकि ये जो है फैले भी पौधा और आपके ज्यादा से ज्यादा फूल आए। तो विकास जी ने बिल्कुल सही कहा, ये है एक परमानेंट पौधा जो कि पूरे साल चलता है। अगर आप इसको एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए तो पूरे साल आपको फ्लावरिंग देगा। थोड़ा सा गर्मियों में जो है फूलों का क्वांटिटी कम हो जाती है, सर्दियों में उसी तरीके से ये अपने फूलों का साइज और क्वांटिटी को दोबारा से ले लेता है। और कलर देख लीजिए दोस्तों, अगर आप वर्टिकल गार्डन बनाना चाहते हैं तो इसे जरूर ऐड कीजिए। विंटर्स का बहुत अच्छा पौधा, मुझे बहुत प्यारा लगता है और लो मेंटेनेंस पौधा है बहुत ज्यादा, इसे केयर की भी जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पौधे की तरफ। दोस्तों ये है सर्दियों की एक और वैरायटी जिसे कहते हैं वर्बीना, आपने नाम सुना होगा। और ये एक ऐसा पौधा है जो आपका गर्मी भी टॉलरेट कर लेता है और काफी टाइम तक चलता है। अगर आप पानी का ध्यान रखें तो ये बहुत अच्छे से आपका गर्मियों में भी चलता है। फूल नहीं देगा मगर पौधा मरेगा नहीं। सर्दियों का तो बहुत अच्छा पौधा है, आप ये देखिए सर्दियों में इसमें बहुत प्यारे से ब्लूमिंग होती है। कलर देख लीजिए, रेड भी है और पिंक भी है और आप इसका पर्पल कलर भी देख लेंगे। तो बहुत प्यारा पौधा है। मैंने जैसा बताती रहती हूँ दोस्तों, मुरझाए हुए फूलों और जो खराब पत्तियां डंडियां हैं उन्हें बस निकालते रहिए तो आपके सर्दियों के पौधे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे और इस तरीके से खिलेंगे। और धूप चाहिए सबसे बड़ी बात, अगर आप फूलों का पौधा लगाने जा रहे हैं तो उसे तो दोस्तों प्रॉपर धूप चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बालकनी में या कम धूप आती है तब चलेंगे तो ये पौधे ना उस कंडीशन में नहीं चल पाते हैं। जितनी ज्यादा धूप आएगी उतने अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे, उतने अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट पौधा आपका साल्विया। मैं जितने भी विंटर्स के पौधे बता रही हूँ ना, आपका नाम भी स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ताकि आप उनके नाम के साथ उनको जाने और नर्सरी से जाके उनको फटाफट से परचेज कर दी। सेम दोस्तों ये पौधा भी बहुत अच्छा है, इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से फूल आते हैं। ऊपर से पिंचिंग करते रहिए जैसे ही फूल जो मुरझा जाता है। तो ये पौधा भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, सर्दियों का बेस्ट पौधा है। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि इस छोटी सी जगह में कितने सारे जो है प्लांट्स लगे हुए हैं। तो विकास जी आपको बताएंगे कौन कौन से प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स का आपके जो व्यूअर हैं वो बताएंगे कमेंट्स में कि कितने इसमें प्लांट वैरायटी के लगे हुए, किस किस नाम के प्लांट रखे हुए। ओके चलिए दोस्तों, अब आपका जो है ना ये एग्जाम हो गया है तो मैं फटाफट से कैमरे को घुमा देती हूँ और आप भी अपनी आंखों को थोड़ा सा ठहरा के रखिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं और कितने कितने प्लांट्स हैं। तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दिएगा कि इसमें कितनी वैरायटी के प्लांट्स लगे हुए हैं और कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैं दूर से भी व्यू दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं। छोटी सी जगह में इतने अच्छे से अरेंज करते हैं ना नर्सरी में, मैं देखती रह जाती हूँ। अगर हम अपना हमें गार्डन में दिया जाए तो भी हम इतने अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो फटाफट से अगर आप गार्डन लवर हैं, प्लांट्स लवर हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है दोस्तों कैलेंडुला का पौधा, आपने देखा होगा। ये भी ना मुझे गेंदे की तरह लगता है मगर इसके पत्ते थोड़े से यूनिक होते हैं। मगर देखिए आप इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल पालक की तरह लगता है। तो मुझे ये पौधा भी बहुत पसंद है। तो अगर आप नर्सरी से जा रहे हैं तो एक पौधा इसका भी रख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा विंटर्स का पौधा है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉग फ्लावर, और इतना अच्छा पौधा है। अगर आप बिगनर हैं और अगर गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस पौधे को ज़रूर ऐड कीजिए। मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि मैं हर साल इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करती हूँ तो मुझे पता लगता रहता है कि कौन सा पौधा हार्डी है, कौन सा पौधा ज़्यादा केयर मांगता है। तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए, गर्मी में भी काफ़ी टाइम तक ये चलता रहता है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी केयर करेंगे ना तो ये गर्मी में भी पूरा चल सकता है। तो इस पौधे को आप सीड से भी उगा सकते हैं और आप अभी नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। तो 25 रुपीज़ में आप इस नर्सरी से इसको परचेज कर सकते हैं। विकास जी मुझे इतना प्यारा पौधा लग रहा है, इसके पत्ते कितने यूनिक है मगर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैंने कभी ये पौधा नहीं लगाया। तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा पौधा है। मैम ये प्लांट को कलकत्ता में तो बोलते हैं सिजेनियम, अच्छा पूना में इसको क्रिस्टीना बोलते हैं। ओके। ये पक्का प्लांट होता है, जैसे आपको मान लो हैजिंग करनी है, हैजिंग में भी बहुत अच्छा चलता है। सिंगल लगाना है तो इसकी है ना आप बॉल्स बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। ये सिर्फ बरसात सिर्फ बरसात में इसका ग्रीन कलर आ जाता है, बाकी
फिर ये कलर चेंज कर देता है, बिल्कुल ऐसा रेड रेड सा हो जाएगा ये पूरा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसके पूरे पत्ते ऐसे हो जाएंगे, जो ग्रीन है ना दोस्तों वो भी इस तरीके से हो जाएंगे। और सर कह रहे हैं कि इसकी कटिंग करते रहे ना आप, तो ये बॉल शेप सा ले सकता है, जैसे आपको देख रहे हो ये लगी है, तो आप यहाँ से ट्रिमिंग करिए और पौधा जो है बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगा। तो आज तो ना नर्सरी से मैं ये पौधा जरूर ले जाने वाली हूँ। अगर कोई यूनिक पौधा आता है ना, तो मेरा मन बिल्कुल ऐसा करता है कि वो पौधा मेरे गार्डन में जरूर होना चाहिए। तो इसका नाम तो सर ने बता दिया है, तो सर ये कहाँ का पौधा है वैसे? सर आपको पूना की वैरायटी का है जी, कलकत्ता की भी आता है। अच्छा, कलकत्ते के में क्या थोड़ा छोटा हाइट में आता है जी, पूना में थोड़ा सा हाइट में बड़ा अच्छा। नाम क्या बताया आपने इसका? इसका नाम सिजेनियम है। अच्छा, सिजेनियम बोलते हैं, कलकत्ता में सिजेनियम बोलते हैं और पूना में इसको इसी को क्रिस्टीना बोलते हैं। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो बहुत ही प्यारा पौधा है और मैं इस बार अपने गार्डन में इसको जरूर ऐड करूंगी, मुझे बहुत प्यारा लगा। और हार्डी पौधा है, बस इसको धूप चाहिए, धूप में ही अपने कलर चेंज करता है। तो दोस्तों आप ले जाने वाले हैं ना इस पौधे को, तो ये है हमारा कोलियस का पौधा जो कि बहुत ही प्यारा है। और मेरा ना गर्मियों में इस बार ख़राब हो गया था, तो मैं गार्डन में इसे ले जाने वाली हूँ अपने गार्डन के लिए, मुझे बहुत प्यारा लगता है। बस आप इसके इसे पिंचिंग करते रहिए, तो आपका पौधा छोटी हाइट में ना बहुत अच्छा जो है कलर भी देता है और बहुत अच्छे से बुशी भी हो जाता है। तो मैं इस पौधे को अपने गार्डन में इस बार ऐड करने वाली हूँ। नाम है इसका कोलियस। इसके बहुत सारे कलर आते हैं जो कि आप अपने गार्डन में इसको अभी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे सारे सीजनल प्लांट, ये है डाइंथस का, ये है सलूचिया। आप देखेंगे इसका इसका फूल बहुत प्यारा आता है, बिल्कुल वेलवेट की तरह का। ये इसकी छोटी वाली वेराइटी है, आप मुर्गा कलगी देखेंगे ना वो भी ऐसा ही होता है, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा है और ये जो है थोड़ा सा रेयर होता है। और ये आप देखेंगे तो ये है गुलदाउदी। गुलदाउदी की भी ना बहुत अच्छे से बर्ड्स आ गए हैं। ये बटन वाली हैगी इसकी वेराइटी और बहुत अच्छे से बुशी भी हैगा। सारे कलर मिलेंगे आप इसको, रेड, येलो, वाइट, पिंक, सभी अभी शेड में है, बट वही ये बर्ड्स बने हुए हैं ना तो थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, मगर आप ये देखिए इसमें हल्के हल्के से जो है फ्लावर जो है निकलने लग गए हैं। तो ये भी गुलदाउदी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये है इंग्लिश रोज़, जिसको ग्राफ्टेड रोज टाइप के होते हैं, वो सारे कलर आपको मिलेंगे। आप वहाँ देखेंगे तो वो येल्लो है, ये देखिए ये रेड है, तो इसकी भी आपको यहाँ वेराइटी मिल जाएगी। आपको गुलाब के सभी पौधे मिल जाएंगे। आप देखिए जो इसका साइज़ है, ये देखिए बैग का साइज़ भी अच्छा खासा हैगा। तो विकास जी, ये कितने रुपए में आपकी नर्सरी में मिल रहा है रोज? गुलाब ये पड़ेगा 100 रुपए। अच्छा, तो दोस्तों मैं ना सही बताऊँ, मैं अगर जाती हूँ ना किसी अदर नर्सरी में तो आपको ये वाला जो रोज़ है 150 रुपीज़ से कम नहीं मिलता है, मगर इस नर्सरी में आपको ये जो पौधा है ना ओनली 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप फूल देख लीजिए कितना प्यारा और गुथा हुआ फूल आ रखा है। और अभी तो देखिए इसमें कितने सारे जो हैं बर्ड्स भी बनेंगे। ये देखिए इसकी ग्राफ्टिंग हो रखी है, ये इसकी पहचान होती है। तो ये भी आप ज़रूर देखिए, अगर नॉर्मल होता तो उसमें इस टाइप की ग्राफ्टिंग नहीं होती है। पौधों की बस ये है कि क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो गुलाब की भी यहाँ सारी वेराइटी है। ये आप देखेंगे ये है गुड़हल, गुड़हल की हाइब्रिड वेराइटी भी है इनके पास और नॉर्मल वेराइटी भी है। ये आपका मधु कामिनी हो गया, जिसमें फूल आते हैं बहुत अच्छे से फ्रेग्रेंस वाले, तो ये भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं आप फटाफट से कुछ ऐसी झलकियाँ दिखा रही हूँ पूरे नर्सरी की, नहीं तो वीडियो लंबी होने वाली है। चाइना ऑरेंज, चाइनीज ऑरेंज जिसको कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पे से 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसकी हैवी वेराइटी भी है, आप वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, यानी कि और लंबा और घना। दोस्तों ये आप देखेंगे अडेनियम, तो अडेनियम अगर हम अपने गार्डन में रखते हैं तो अभी तक उसके पत्ते पीले हो गए थे और फूल भी नहीं आ रहे थे, मगर आप यहाँ देखेंगे तो कितने हेल्दी अडेनियम है। कोडेक्स देखिए अडेनियम का कितना अच्छा और हरे भरे पत्ते। पता नहीं नर्सरी में ऐसा क्यों होता है, ये पौधे ना एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं तो पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी भी रहते हैं और साथ में इनकी केयर भी होती रहती है, किसको कम पानी चाहिए, किसको ज़्यादा पानी चाहिए, ये चीज़ की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे एस्पैरेगस, ये भी एक बास्केट प्लांट है, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लगता है अगर आप इसका हैज बनाएं तो, ये भी बहुत प्यारा है। ये आपका ड्राइसीना का पौधा हैगा, ड्राइसीना की दोनों वेराइटी हैगी, ये भी बहुत प्यारा पौधा है। और ये भाई साहब है क्रेसुला, जो कि गर्मी में मेरे ख़राब हो गए थे और ये ना दोस्तों पता नहीं गर्मियों में इनको क्या हो जाता है, ये सकुलेंट्स को मेरे तो हमेशा ख़राब हो जाता है, बट अभी आप विंटर्स में इनको ले सकते हैं। और ये एक लकी प्लांट माना जाता है, बट इसको प्रॉपर धूप चाहिए तब ये अच्छे से चलता है।
नेक्स्ट है दोस्तों एक बेस्ट पौधा, मुझे तो ये विंटर्स का बेस्ट पौधा लगता है, पिटूनिया। और आपने लास्ट टाइम मेरी बास्केट तो देखी थी ना, कितनी घनी और हरी भरी थी, फूलों पत्तों से ज़्यादा फूल थे। तो मैं इसी नर्सरी से वो जो है पौधा लेके गई थी लास्ट ईयर, अब दोबारा से अपनी बास्केट में ऐड करने वाली हूँ। तो ये ना पौधा अपने लास्ट जब इसका पीक टाइम होता है तभी इतनी ब्लूमिंग करता है, इतनी ब्लूमिंग करता है कि पत्तों की कमी और फूल ही फूल दिखते हैं। तो पिटूनिया की आप वेराइटियाँ देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे वेरिएंट हैं। और आप यहाँ देखेंगे पौधा है जो भी मुझे बहुत पसंद है, इसका भी कलर ये आप देखेंगे डहेलिया का है। तो विकास जी अब मैं एक एक पौधा क्या बताऊँ, आप ना सबके नाम मुझे बता दीजिए कि थोड़ा सा अपनी नर्सरी का एक शॉर्ट में आप मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से पौधे हैं उस रो से, यहाँ से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और आप जान लीजिए कि आप अभी कौन से पौधे ले सकते हैं। विकास जी ये कौन सा पौधा है? मैम ये रुद्राक्ष का प्लांट है जी, कलकत्ते की वैरायटी है। ओके तो दोस्तों ये ना रेयर वैरायटी वाले पौधे हैं और बहुत ही यूनिक और कहीं कहीं जगह नर्सरी पे मिलते हैं। तो सर की नर्सरी में हैगा, कितने रुपए का मिल रहा है सर ये? मैम ये 200 रुपए का पड़ेगा। ओके 200 रुपए का, तो सर नर्सरियों में थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। हाँ जी 300-350 बिल्कुल, माली से लगवाओगे 500 रुपए। ओके तो दोस्तों आप ना रुद्राक्ष अगर अपने घर में पौधा जो है ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ले जाइए ओनली 200 रुपए में। और नेक्स्ट पौधा क्या है ये वाला? इसके पीछे चीकू रखा हुआ है। अच्छा ये चीकू है दोस्तों, ग्राफ्टेड वाला चीकू। ये है आपका चाइना ऑरेंज और इतने छोटे में ना ये फ्रूटिंग दे रहा है, आप ये देखिए। तो विकास जी इसके बारे में बताएंगे कि ये इतना हेल्दी कैसे है? मैडम इसमें हमने सरसों की खल का पानी होता है ना वो डाला था करीबन 15 दिन पहले। अच्छा। और नाइट्रोजन और वर्मी कंपोस्ट मिक्सर करके उसके साथ में डाला हुआ था। ओके। उस टाइम पे इसमें फूल आ रहे थे, फल इतना मतलब फूल गिर जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए हमने ऐसा किया था। और उसके बाद 15 दिन में रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। इसको चाइना रोज बोलते हैं, ऑरेंज कलर का बिल्कुल हो जाता है। हाँ जी। साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग ये हमारा नींबू के साइज का जाता है। थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, खट्टा होता, बहुत खट्टा होता है। आप इसका मुरब्बा भी बना, पंजाबी लोग मुरब्बा भी बनाते, लोग अचार में बनाते हैं इसको, बहुत अच्छा है। दोस्तों आप इसमें से कोई सा भी ले लीजिए, विकास जी आप दोबारा दूसरा कोई उठाइए, कोई सा भी, कोई सा भी, कोई सा भी प्लांट आप उठाएंगे, हर किसी प्लांट में आपको इसमें फ्रूट मिलेगा। ये देखो आप, ये देखिए कितने सारे लदे हुए हैं इतनी छोटी सी हाइट में, 1.5 फुट का पेड़ ये। और मैंने तो ना ये एक अपनी फ्रेंड पुणे में भेजा था यहाँ से, क्योंकि वहाँ मिल नहीं रहा था तो मैंने कुरियर करवाया था जैसे तैसे और वहाँ पहुँच भी गया। तो दोस्तों आप ना ये पौधा यहाँ से जरूर ले जाइएगा, इतना हेल्दी और इतने सारे आपको जो फ्रूट है नहीं मिलेंगे एक ही पौधे में। ये आप देखेंगे मैंगो के पौधे हैं जो कि आप अपने अगर आपके बगीचा है कहीं भी तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हाइट देख लीजिए आप, लगभग 6 फुट के अराउंड हैगा और आप ये देखिए बैग में लगे हुए हैं और इसी में ये फ्रूटिंग देते हैं। तो अगर आप अपने गार्डन में मैंगो के पौधे उगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बने बनाए पौधे आप यहाँ से ले जा सकते हैं। हेल्दी देख लीजिए और पत्ते वगैरह सब हेल्दी हैं, पौधा बहुत हेल्दी है, तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। हाइट 8 से 10 फुट तक में मिल जाएगा। हाँ तो हाइट आप देखिए 8 से 10 फुट में आपको ये पौधा यहाँ से मिल जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी नर्सरी विजिट। और अगर आपको मेरी नर्सरी विजिट अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं नर्सरी विजिट किया करूँगी, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपको इस टाइप की वीडियो कैसी लगती है। तो अगर आपने सर्दियों के पौधे नहीं खरीदे हैं तो इस वीडियो को देख कर आप उन प्लांट्स को फटाफट से अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए। और मैं किस नर्सरी में गई थी उसका जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप वहां पे जाके प्लांट्स खरीद सके। और अगर आप दिल्ली से हैं तो ये ऑनलाइन भी डिलीवर कर देते हैं। तो चलिए मिलती हूँ दोबारा ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।